नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार पांडे। 500 और 1000 के नोट 8 तारीख को 8 बजे के बाद जो मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए बात कही, उसके बाद जो है बंद हो गए। लेकिन घमासान वहां से शुरू हुआ। पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया दरअसल हुआ क्या और इसका क्या असर होगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें लगी, लेकिन लाइनों में खड़े लोग भी जब इसका स्वागत करने लगे तो विपक्षी दलों को शायद कुछ समझ में आया नहीं शुरुआत में। लेकिन उसके बाद अब जब विपक्षी दलों को मौका मिला शीतकालीन सत्र में, तो पहला ही दिन हंगामेदार हुआ। चलिए ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा का आगाज करेंगे। शीतकालीन सत्र के वक्त मौसम भले ही ठंडक का एहसास दे रहा हो, लेकिन शीतकालीन सत्र का आगाज होते ही संसद के भीतर खासी गर्मी दिखाई दी। संसद पहुंचे पीएम ने कहा कि उम्मीद है कि पिछले सत्र की तरह इस बार भी अच्छी चर्चा होगी, मगर पीएम की बातों का विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। नोटबंदी के चलते बैंकों और एटीएम के बाहर लगी कतारों के मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। चर्चा का आगाज करते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पीएम से तीखे सवाल पूछे। पीएम को पैसे पर बैन लगाने का हक किस कानून से मिल गया? पीएम बिना डॉक्टरी के सर्जन बन गए हैं। आनंद ने पीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपने देश के सामने गोपनीयता की बात की थी, मगर ये खबर नोटबंदी से पहले अखबारों में छप चुकी थी। फिर पीएम की ये कैसी गोपनीयता? नोटबंदी से बेटियों की शादी तक रुक गई, गरीब की लाशें अस्पतालों में फंसी हैं, मजदूर किसान नोटबंदी से बेकार हुए। एसबीआई को मार्च से नोट बंद होने की जानकारी थी। पीएम मोदी को इस मुद्दे पर देश से माफी मांगनी चाहिए कि सरकार ने निर्णय किया है कि 500 रुपए के और 1000 रुपए के जो करेंसी नोट हैं भारत के अंदर सर्कुलेशन में, उनको सरकार रद्द करती है, उनको लीगल टेंडर मध्य रात्रि के बाद नहीं माना जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि देश में काले धन पर प्रहार करने के लिए, आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए यह कदम जरूरी है, क्योंकि यह पैसा आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं और भारी मात्रा में नकली पैसा, काउंटरफिट करेंसी सर्कुलेशन में है, जो राष्ट्र सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। मैं आरंभ में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक काला धन, अपराध का पैसा, ड्रग मनी, काउंटरफिट मनी का प्रश्न आता है, उसमें इस सदन में दो राय नहीं है, एक मत है। पर प्रश्न ये उठता है माननीय उपसभापति महोदय कि देश के अंदर 16,63,000 करोड़ का करेंसी नोट सर्कुलेशन में था, उसमें से 86.4 500 और 1000 के नोट थे, तो 86.86% ऑफ द करेंसी वॉज स्क्रैप्ड विद वन अनाउंसमेंट। ये तो हुई कांग्रेस की बात। विपक्षी पार्टियों में टीएमसी और बीएसपी भी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन किया और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी निकाला। तो वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि बीजेपी ने अपना काला धन सफेद कर लिया है। आनंद शर्मा के हमले के लिए सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला बीजेपी सांसद और मंत्री पीयूष गोयल ने। गोयल ने पीएम मोदी के फैसले का बचाव किया और विपक्ष पर हमला बोला। पीयूष गोयल ने कहा कि नोटबंदी की गोपनीयता से ही बेईमान आज तकलीफ में है। लोग जानते हैं कि पीएम का ये कदम देश हित में है, लोग कुछ दिन का कष्ट सहने को भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री को ये कड़ा फैसला लेने का अधिकार था। बीजेपी का काला धन, अपनों को विदाई भी दे पाते हैं।
चलिए विशेष में हम ऐसी बात पर चर्चा का आगाज करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो शीतकालीन सत्र है, इस सत्र में क्या कुछ होने वाला है, पहला दिन क्या कुछ कह रहा है आपको, और पहले दिन की कार्रवाई के बाद, इन सब के बाद आप कितना समझ पा रहे हैं, और आपकी मन में जो छवि थी, एक ये जो धारणा बनी थी कि भाई ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई है और उसमें हम सबको साथ देना है, क्या वो बदल रही है? सुरेंद्र स्वामी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, एक बात बताइए, आज जो हुआ उसको कैसे डिफाइन करें? नहीं, ये तो जो सर जो वो लोग पार्लियामेंट के बाहर जो विपक्ष कह रहा था वो आज पार्लियामेंट के अंदर कह रहा है, इतना ही फर्क है। कोई नई बात तो उन्होंने पार्लियामेंट में जाके कही नहीं, कोई नए सुझाव उन्होंने दिए नहीं। जो बातें वो सत्र से पहले कह रहे थे वो इस सत्र के अंदर पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह रहे हैं, तो इसके अलावा तो उसमें कुछ नई बात है नहीं। और जहां तक देखिए क्या होता है कि राजनीति जो है वो सारा खेल जो है ना वो वोट का खेल है और वोट जनता देती है, तो हर पार्टी ये जताना चाहती है, दिखाना चाहती है कि हम आपकी तकलीफों में आपके साथ खड़े हैं, और तकलीफ हो रही है जनता को क्योंकि लोग लाइन में खड़े हैं, पैसे लेने में दिक्कत हो रही है, तो इसका फायदा उठाकर अब आप काले धन के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप दूसरे तरीके से गलत ड्रग के पैसे के खिलाफ नहीं बोल सकते, हवाला के आप सपोर्ट नहीं कर सकते कि नहीं हवाला ठीक है, तो आप एक ही काम कर सकते हैं कि इस नीति को आप ये कह के गलत करें कि इससे गरीब और जो आम आदमी है वो परेशान हो रहा है। दरअसल मंशा ये है कि देखिए चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जिनके पास भी काला धन है, और चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे मीडिया में हो, जिसके पास भी काला धन है उसको परेशानी है और उसको तिलमिलाहट है क्योंकि वो अब करेगा क्या पैसे का। देखिए सवाल उठ रहे हैं कि साहब ये जो 16 लाख करोड़ रुपया था क्या ये सारा काला धन है? तो बिल्कुल काला धन नहीं है। अच्छा एक बार एक चीज आप पूरा करने से पहले मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लोग तिलमिला रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई गरीबों को प्रॉब्लम हो रही है, आम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, दरअसल उनकी तड़प, उनकी छटपटाहट सिर्फ इस वजह से नहीं है, उसके कारण कोई और भी है भाई? नहीं, वो ऑब्वियस है। देखिए आप इन लाइनों को देखिए, एक तो इन लाइनों में पिछले 2-3 दिनों से, और मैंने ट्वीट भी किया था पीएम मोदी के लिए कि भाई आप ये शाही क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। मैंने परसों जो है आपकी डिबेट के बाद, यहाँ डिबेट में भी मैंने बात कही थी कि लोग जा रहे हैं लाइनों में, बार बार लोग पैसा लगा रहे हैं, उनको छोड़ दें तो वहां जो लाइन में आप देखिए आम आदमी है, गरीब आदमी है, क्योंकि उसके पास जो पैसा है उसे चाहिए वापस। कोई अमीर नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, क्यों नहीं है वहां पे लोग? कुछ लोग हैं जो अपने क्रेडिट कार्ड से काम चला रहे हैं, और कुछ जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं जिनकी तिलमिलाहट है, तो उनके पास खाली 500 और 1000 रुपए के काला धन थोड़ी है, उनके पास 100 रुपए की गड्डियों का भी काला धन वो निकाल लिया उन्होंने, तो वो अपना निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लाइन में आके क्यों खड़े हैं? ठीक है, सुनीता दुग्गल जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सुनीता जी, आज जो शीतकालीन सत्र का पहला दिन हमने देखा, इसमें जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को सुना, उसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न ज्यादातर लोगों का ये था कि आप आम लोगों की फजीहत कर रहे हैं, आम लोग परेशान हो रहे हैं, आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, क्या सच में इसको और बेहतर तरीके से नहीं किया जा सकता था? वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए गलत समय आपने चूज कर लिया, शादियों का मौसम है गलत समय चूज कर लिया, क्या टाइमिंग बेहतर नहीं हो सकती थी? नहीं देखिए, कभी भी कोई बहुत बड़ा स्टेप लेना होता है तो उसके लिए ये इसमें ये बात ठीक है आपकी कि टाइमिंग्स देखी जाती हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा इंतजार भी नहीं कर सकते इन चीजों के लिए कि भी क्योंकि कुछ ना कुछ तो देखिए रहेगा, कभी शादी रहेगी, कभी किसानों की फसल का मामला रहेगा, तो कोई ना कोई मामला तो रहेगा, तो हम ये सोच के इस चीज के लिए नहीं बैठ सकते कि क्योंकि ये जो है आजकल ये सीजन है इसलिए अभी इस डिसीजन को नहीं लेते। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा और बहुत सही समय पर डिसीजन लिया गया है ये, और जो आपके अभी जो आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हैं, मैं तो बहुत हैट्स ऑफ करूंगी इनको, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने जो है समझाया है एक एक बात को कि दर्द किसको है, तकलीफ किसको है, और जो जहां जिस तरह की जो तकलीफ थी उसको दूर करने की सरकार ने पूरी कोशिश की है, चाहे वो स्याही का मामला हो, उसके बाद आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि उसके बाद से लाइनें काफी कम हुई हैं, तो आम जनता जो है उसको जो थोड़ी बहुत परेशानी हो भी रही है तो वो उससे उतनी दुखी नहीं है जितने जो काले धन वाले लोग हैं
वो इस बात को लेकर दुखी हैं कि वो अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो जी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट ने सारी बात बताई है और सभी 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 पार्टियों को इंक्लूड किया इन्होंने, इन्होंने बहुत बहुत जी। हेलो हेलो जी 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 सुनीता जी, मैं हाँ ये जी जानना चाह रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगी, ये जो तमाम विपक्षी नेता हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं, ये कई सालों से राजनीति करते रहे हैं, कई सालों तक लोगों का वोट इनको मिलता रहा, ये आज ये जो लोगों का की तकलीफ बता रहे हैं, क्या वो गलत बता रहे हैं या इसके पीछे कोई और मंशा है? हेलो, आवाज मिल रही है सुनीता जी आपको? आवाज थोड़ा कम आ रही है, प्लीज वॉल्यूम तेज करेंगे। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये जो तमाम नेता संसद में या सड़क पर ये जो दर्द बता रहे थे हम लोगों का, वो गलत बता रहे हैं? नहीं, देखिए मैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये बात रखी है कि उनको, क्योंकि वो काले धन पे अब बोल नहीं सकते हैं, गलत वो ये बात नहीं कह सकते हैं कि काले धन वालों को परेशानी है, तो नेचुरल सी बात है कि वो आम जनता को लेके ही बात करेंगे, आम जनता से उनको कुछ लेना देना नहीं है। और वो जो है, क्योंकि काले धन पे वो नहीं बोल सकते हैं कि हमें काले धन वालों को परेशानी हो रही है, इसलिए वो आम जनता को जो है सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन आप आम जनता से पूछिए तो मुझे लगता है कि 95% लोग जो है ना, 5% हो सकता है कि कुछ ज्यादा परेशान हो तो वो ये बात कह भी रहे, लेकिन 95% लोग ये कहेंगे कि हम ये थोड़ी बहुत जो तकलीफ है उसको सहन करने के लिए तैयार है। ठीक है लेकिन ठीक ये है। जो कुछ किया मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। तरुण भंडारी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। तरुण जी आवाज मिल रही है आपको? आ रही है जी आवाज, ये जो आज पहला दिन था शीतकालीन सत्र का और इसका आगाज जिस तरह से हुआ, ये जो विरोध बहुत मुखर होकर ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने किया, कई तो एनडीए के घटक दल हैं शिवसेना वगैरह वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, मंशा क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? ऐसा कि जो ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, जी ये फैसले का सभी पार्टियों ने पहले स्वागत किया था, परंतु जब नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया तब उन्होंने कहा था अगले दिन बैंक बंद रहेंगे और उसके अगले दिन सभी लोगों के उनको पैसे मिल जाएंगे, बैंकों में पैसा पहुंच जाएगा, परंतु आज 8 दिन हो गए हैं, इस सरकार ने कोई भी अरेंजमेंट नहीं किए, आपके पास पैसे हैं? आज जनता त्राही आपके त्राही कर पास रही पैसे है। हैं? मेरे को आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही आपके है, पास पैसे हैं? क्या जी आपके पास पैसे हैं? बिल्कुल नहीं, आज किसी के पास भी पैसे नहीं है, और तो ये आप चार लाइन में हजार खड़े नहीं हुए? का जो चेंज करके दे रहे हैं और उसके बाद निशान नहीं लगा नहीं रहे नहीं हैं तरुण 4 हजार जी, बहुत रुपया देने से। प्रैक्टिकल प्रश्न पूछ रहा हूं, मुझे आप उत्तर दीजिए जरा, आपके पास पैसे नहीं हैं कि नहीं है? है जी, तो लाइनों में खड़े नहीं हुए आप? लाइनों में एक दिन हम खड़े होकर मैंने 3 हजार रुपए लिए थे जी, अच्छा और वो खत्म हो चुके हैं और दोबारा ये पैसे नहीं दे रहे, इतनी लंबी लंबी ये कतारें हैं कि हाँ। वहां पे संभव ही नहीं है कि आपको पैसे मिल जाए, तो बाकी और जो इन्होंने आम एटीएम लोग, से जो आम पैसे लोग देने जो की पैसे बात ले करी रहे हैं, थी। एक मिनट सुनिए साहब, जो आम लोग पैसे ले रहे हैं उनके लिए संभव है कि वो लाइन में लग जाएं? इन्हीं आम लोगों को जब आप गैस सिलेंडरों के लिए लंबी लंबी कतारों में लगाते थे वो वक्त भूल गए, इन्हीं आम लोगों को जब लंबी लंबी कतारों में अपने पैसे जमा कराने तक के लिए लाइनों में लगाया जाता था, एक टोकन मिल जाता था आपकी बारी आएगी तब आप लाइन में इतनी लगाते थे, वो लंबी वक्त लाइन में याद है? कभी एक आज मिनट तक एक मिनट एक नहीं मिनट लगी, एक मिनट पूरी बात और सुन लीजिए, इतनी पूरी ज्यादा बात सुन संख्या में लीजिए, आज तक पूरी लोग बात लाइनों सुन में नहीं लीजिए, लगे। ये इन्हीं मैं आम आपसे लोगों को बताना आप चाहता हूँ, लोग अगर चुनाव बैंक के में समय कहीं लंबी लंबी 10-15 लाइनों में लोग 10 लगाते हैं दस वोट के रुपए लिए, तब कहते प्रॉब्लम नहीं मामला होती है? में खत्म हो जाता था, आज देखिए लोग सुबह नहीं, से लाइन में लगते भंडारी हैं, साहब आपने मेरा सुबह प्रश्न पांच भी बजे नहीं जाके सुना लाइन में और लग उसका उत्तर जाते भी हैं। नहीं दे रहे हैं आप। अभी प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दूं या आपने सुन लिया? आवाज आपकी बड़ी कम आ रही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में कोशिश करेंगे कि वॉल्यूम तेज कर दें, फिर आपके पास लौटेंगे, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक। हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह करना आ रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं,
इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक ही पहुँचाए हैं और वो भी सिर्फ एक काल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन, यहां आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है एकदम शुद्ध वातावरण के साथ, फुली एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक झज्जर रोड बहादुरगढ़। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल, 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन, 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, एक बात बताएं, आज हमने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को सुना, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि मोदी साहब 50 दिन मांग रहे हैं तो 50 दिन तक गरीब क्या भूखा रहेगा? क्या सच में भूखे मरने वाली स्थिति आ गई है, या वैकल्पिक जो व्यवस्था है या जो ऑप्शन हो सकते हैं विपक्ष को ये शोर मचाने के बजाय कि ऐसे कर दिया आम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उसके बजाय ये कहना चाहिए था कि भाई अगर ये देश हित में अच्छी बात है तो आइए हम सब मिलकर लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं, आइए हम सब अपने शिविरों में जब रैलियां करते हैं तो लोगों को पूरी सब्जी बांट सकते हैं, तो हम अपने अपने इलाके में पूरी सब्जी बांट देते हैं लोगों को कुछ दिन जो प्रॉब्लम हो रही है। नहीं देखिए, इसमें यह है ना कि विपक्ष पिछले जो मुद्दा था कि भाई 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे, तो विपक्ष ने ही काला धन पे मोदी जी को घेर के रखा इस सरकार को, और उस मुद्दे को इन्होंने गर्म रखा, ठंडा पड़ने नहीं दिया। तो ऐसे हालात में जब ये ब्लैक मनी पर इंडिया में अटैक हुआ, एक तरह का जिसको सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं या डिमोनेटाइजेशन कहिए, नोट बंदी कीजिए, तो उससे क्या हुआ कि एकदम माहौल बदल गया। लोगों ने कहा भी चलो बाहर से नहीं तो देश में से काला धन निकलेगा। तो उस स्थिति में आपको लगता है कि जनता अब इधर, उनको आप ये कह के नहीं कह बहला सकते कि भाई ये सरकार काले धन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और उन्होंने कहा इसके बाद नेक्स्ट बेनामी प्रॉपर्टी और जो भी उनको करना है क्या करेंगे अभी नहीं कह सकते हम। तो उससे क्या हुआ कि अपोजिशन में एक खलबली मच गई, और खलबली ये मच गई कि ये इतना बड़ा मुद्दा है कि ये काले धन का एक मुद्दा ही चुनाव जिता देगा, तो अब इस मुद्दे पे हम क्या करें। ठीक है, इसलिए वो पूरी खिलाएंगे तो साथ हो जाएंगे ना। भंडारी जी एक बार बताइए,
यही प्रश्न जो मैंने सुरेंद्र जी से पूछा था, यही प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ना जरूरी है, तो ये तमाम विपक्षी दल जो ये शोर मचा रहे हैं कि आम लोगों को परेशानी हो रही है, आम लोगों के बीच जाके ये क्यों नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, पंचायतों में मोहल्लों में जाकर हम एक दूसरे को ये क्यों नहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिन उधार से काम चला लीजिए, एक दूसरे की मदद कर दीजिए। आप अपनी रैलियों में इतने सारे लोगों को, लाखों लोगों को बुलाते हैं, उनको पूरी सब्जी खिलाते हैं, फूड पैकेट्स देते हैं, क्यों नहीं हर नेता अपने अपने इलाके में ये अरेंजमेंट करता है कि भाई जिनको सच में भूखे मरने की, जैसे आप लोग कह रहे हैं, नौबत आ गई है, वो उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? जितना आसान आप इस बात को कह रहे हो, हाँ, इतना आसान ये नहीं है। सिर्फ खाने की बात नहीं है, लोगों की घरों में शादियां भी हैं, ठीक, लोगों के बच्चों की पढ़ाई का भी मामला है, ठीक। कोई आदमी बाहर जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है किसी दूसरे शहर में, पेट्रोल की व्यवस्था तो उसको हो रही है, परंतु वो कहीं खाने किसी ढाबे में जाता है, अगर उसके पास 2000 का, तरुण जी आपने 3-4 बातें कही है, मैं एक एक करके उसका उत्तर दे देता हूँ आपको। आप बात कर रहे हैं एजुकेशन की, एजुकेशन में आप चेक से या डायरेक्ट आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, वहाँ एक्सेप्टेबल है। आप पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं, वहाँ तो पुराने 500 और 1000 के नोट भी चल रहे हैं। आपको इतना पता है कि आज जो और 1.5% लोगों के साथ है हिंदुस्तान, और जो आप ऑनलाइन की बात कर रहे हो, उस गरीब आदमी की भी सोचे जिसके पास अकाउंट ही नहीं है, आज भी हमारी व्यवस्था सर तो यही जवाब दे दीजिए ना। आजादी के इतने सालों बाद तक आपकी ज्यादातर वक्त सरकार रही, गरीब आदमी का अकाउंट तक नहीं खुलवा पाए आप लोग? आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, सुन रहा हूँ सर। लोग हिंदुस्तान में 90% कैश में ट्रांजेक्शन होती है। आज हमारे हिंदुस्तान का ऐसा कल्चर नहीं है कि हम क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन व्यवस्था से ट्रांजेक्शन करें। आज आप लाइनों में खड़े लोग क्यों? आज लोगों की शादियां है, शादियों में आप कहां क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे? शादियों से आप क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन डालोगे? आप मेरे को इस बात का बताइए। चेक दे रहे हैं, हमने देखा है सर, चेक व्यवस्था में अगर आ जाए। तरुण जी बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अगर यही व्यवस्था ठीक हो जाए और यही वक्त अगर हो सकता है कि हम हिंदुस्तानियों में ये आदत डाल दी जाए कि हम हर जो ट्रांजेक्शन करते हैं, फूल वाला है उसको चेक से क्यों नहीं दे सकते हैं, टेंट वाला है उसको हम चेक से क्यों नहीं दे सकते, ये व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? शगुन भी चेक से दे सकते हैं। आप लोगों को तो इनकरेज करना चाहिए था। 10 सेकंड है सर, एक बार इस पे, ये शादियों वाला बड़ा चल रहा है, इसमें क्या हो सकता है, आप एक बार बता दीजिए स्वामी जी। नहीं, मेरा ये कहना है कि जैसे मैं भी शादी में गया था तो हमारे पास नहीं थे ये रुपए, तो हमने चेक दे दिया शगुन का, और जो टैक्सी वाला है वो उन्होंने तुरंत सबने कह दिया क्रेडिट कार्ड से आप पे कर दीजिए। मैं ये बात कह रहा था जिस गांव की ये बात कह रहे हैं ना, गांव में तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहां सब एक दूसरे को जानते हैं, सब क्रेडिट पे चल रहा है। किसान माल लाके मंडी में छोड़ रहा है उधार, दुकानों पे जो दुकानदार है वो लेने वालों को जानता है, वो उधार दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लाइनों में खड़े लोगों से देखिए, थोड़ी असुविधा है उन लोगों को जो ट्रांजिट में है, ट्रेवल में थोड़ी है, लेकिन ये कहना कि भाई तमाम लोगों को परेशानी हो गई गांव में, पर आज गांव में कहा, हम भी तो गांव से आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, वक्त इतना ही की इजाजत देता है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन होता है तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन इस तकलीफ के वक्त क्या सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ एकजुट होकर ये नहीं कह सकती है कि हम हर आदमी तक पहुंचेंगे, जैसे आप अपने इलेक्शन कैंपेन के समय करते हैं, हर आदमी तक पहुंचते हैं, हर व्यक्ति को कहते हैं हमें वोट दीजिए, उसी तरह को क्या उनको समझा नहीं सकते हैं कि क्या अल्टरनेट व्यवस्था हो सकती है, लंबी लंबी लाइनों में लगने के बजाय और भी विकल्प हो सकते हैं, वो क्यों नहीं समझा सकते हैं? हमारे हिंदुस्तान में ये हो क्यों नहीं सकता है? फिलहाल इतना ही, नमस्कार।